हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है। अब इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे। एक पहला मेथड जो मैं पाइथागोरस थ्योरम से बताऊंगा और दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके होगा या फिर डायरेक्ट इसका ही यूज करके होगा। अब दोनों मेथड क्या क्या हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेथड वन लगाता हूँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो 90 डिग्री या फिर राइट एंगल ट्रायंगल वाले में ही लगता है। राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा तो यानी ये एक 90 डिग्री है ये, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, इसे हमने थीटा मान लिया। थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और बचा ये बेस। अब हमें दिया है 3 cot θ = 2। हम क्या करेंगे, 3 को इधर भेज देंगे तो कॉट थीटा इक्वल टू 2/3 हो गया। अब कॉट थीटा होता क्या है फॉर्मूला, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी कि बेस की जगह पे क्या है 2 है, परपेंडिकुलर की जगह पे 3 है। तो बेस की जगह पे 2 है, परपेंडिकुलर की जगह 3 है, हमें हाइपोटेनस नहीं पता है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बाकी बचे दो साइड, 3² + 2² परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 13। अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, तो हाइपोटेनस कितना हो गया, √13 हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। अब हमें इसमें क्वेश्चन में क्या क्या यूज है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा यूज है तो हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 3 है और हाइपोटेनस क्या है √13 है। कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे हम, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू है 2, हाइपोटेनस की वैल्यू है √13, सब निकल गया। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इस क्वेश्चन में रख देंगे और इसे सॉल्व करेंगे RHS को, और RHS में 1/3 यानी कि आंसर में हमारा 1/3 आ जाएगा, और जब आ जाएगा तो वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलो रख लेते हैं, LHS लिख लेते हैं इसे और सॉल्व करते हैं। 4 sin θ, साइन थीटा की जगह क्या रख देंगे हम, 3/√13 -3 × cos θ, cos थीटा की जगह क्या रख देंगे 2/√13 / 2 × sin θ, साइन थीटा की फिर से वैल्यू रख देंगे यहाँ पे +6 × cos θ, cos थीटा की वैल्यू रख दिया हमने, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, ये 4 3 12/√13 -3 2 6/√13, 2 3 6/√13, 6 2 12/√13। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी बेस सेम है, √13 रह जाएगा, ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नीचे बेस सेम है, √13 रहेगा और ऊपर बेस में 6 प्लस, ऊपर वाले न्यूमरेटर में 6 + 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 - 6 √13, 6 + 12 √13। अब इक्वल टू 12 - 6 क्या होता है, 6/√13, ठीक है। अब ये √13 ऊपर जाएगा, 12 + 6 = 18, 13 √13 से √13 कट जाएगा, क्या बचेगा 6/18 काट देंगे, 6 1 6 6 3 18, 1/3 यानी कि RHS आ गया हमारा, 1/3 यानी कि RHS आ गया हमारा, RHS आ गया तो क्या हो गया ये, हेंस प्रूफ, हमने प्रूफ कर दिया पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है, अब दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कॉट थीटा का वैल्यू 2/3 और ये दिया हुआ है, हम LHS लिख लेंगे और ऐसे ही सॉल्व करेंगे, RHS की वैल्यू लेकर आएंगे। तो देखो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा ये लिखा हुआ है, हमें लाना है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन थीटा, डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 4
साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 4। ठीक है, अब यहाँ क्या बचेगा, माइनस 3 कॉट थीटा अपॉन, ये हो जाएगा साइन थीटा कैंसिल, बचेगा 2 माइनस 6 कॉट थीटा। ठीक है, अब 4 माइनस 3 कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, 2/3 अपॉन 2 माइनस 6 इंटू कॉट थीटा की वैल्यू आई थी 2/3। वीडियो को बैक करके देख लेना। अब 4 माइनस 3 से 3 कैंसिल, बचेगा 2 2 माइनस 3 टू जा 6 2 2 जा 4। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये प्लस था, ये भी प्लस रहेगा और यहाँ पे ये प्लस रहेगा। अब 4 माइनस 2 2 हो गया, 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 6 2 1 जा 2 2 3 जा 6 हो गया ये। ठीक है, आ गया कितना, ये 1/3 आ गया, जो कि हमारा RHS आ गया, हिंस प्रूफ हो गया। तो दोनों मेथड मैंने बता दिया है, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।